बिकट जा मारा घर तय तना मैं देख आए कौन था ए भाभी न्यू क्यों करे सै मैं तो पहले ही कर्मा की मारी सू तेरे कर्म मार पर भारी पड़ रहे सै जब बे तो इस घर तक काटू सू तो न निर्भाग ए भाभी तुम ना रखोगे तो मैं खड़े जाऊंगी कुआं में पड़ जा कुआं में और कित जागी तू तना कितने ठोड़ कोनी और ठीक कैसे भाभी ठोड़ कोनी जे आदमी का ठोड़ हो ना तो उसने ठोड़ की मरोड़ होया करे गणे फफड़े ना करे चाल दी बनूरत है के बात बेबे न्यू क्यों करे के बात होगी कुछ ना भाई कुछ भी ना हुआ ना बेबे यह बात तो मैं मानू को नहीं जरूर चिंडाल ने तेरे कुछ कही होगी चल बेबे भीतर चल ना भाई मैं भीतर ना चालू इन तो राम भरोसे सू देखो कितने जागा ये बावली राम भरोसे है जब राम ने मारा भरोसा छोड़ रखी है चल मैं देखूंगा उस चिंडाल ने मतलब शर्म कोनी तेरे फिर आगी तू शर्म तो तेरे कोनी आराई कोनी मैं ले आया हूं मैं ले आया सु बेबे ने मैं कर रहा हूं दूस करम ठोक ना उरे अपना मुंह संभाल के बोल तू कौन है रखन वाली घर मेरा और मेरी बेबे अड़े रहेगी देखिया घर वाला घर मेरा भी सै और कोनी रहन दूर है चली जाड़ ते ना मारना इतनी हिम्मत मेरी बेबे का मेरा कद कम हो रे खो दूंगा भाई ना ये गलत बात है तेरी मेरी खातिर अपना घर में रोला ना करो रोला तो तने करवा दिया कड़मुई और तू रही है इस घर में मैं तो यहाँ चली हेर बोलिए कि जागी मैं कितने जाओ तने इस बात के मतलब मेरा के घर से बोल वाली उल्टी हो ले ना और दर्द दूंगा डट जाना भाई एक मार दिया है इब का हाथ लगा दिया नहीं जेड़ में पाओगा ना भाभी ऐसा काम ना करियो प्यार तो रहो दोनों जने हम तो प्यार तो रहा कर दे पर तू से खुट्टा ठोक तू जिस दिन तक आई है उस दिन तक मारा रोज खूंड बाजा से अरे मान जा हाथ पा जुड़वा के मान जा छोरी भीड़ पड़ी मारी से काट लेते इस नाड़े दिन कितने भीड़ ना पड़ रही इसके लक्षण देख के काटी से हम नगर ते भाभी न्यू मत ना बोले बाकी मैं मजदूरी करके खा लूंगी पर थारे ना रहूं भावड़ी है के बेबे न्यू तो बेरा ने ये तड़के की कह देगी भाई कहलन दे इसने दिन से इसके पर मेरे कारण घर में रोला ना करो भगवान मेरे भी अच्छे दिन ले आऊंगा तेरे तो बिना अच्छे दिन आऊंगे कि नहीं पर तू इस घर से चली जाएगी ना तो मारे अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे अरे टिक जा मत ना गारे फेंके इतने भाई तू बाप भी ने कुछ ना कह मन जान दे मैं अपना आप रह लूंगी बेबे सासरा सतरा रह नहीं फिर तू कड़े रह लेगी भाई उसके भी तो अक्कल आओगी कदे ना कदे ले जाएगा मने हाँ ले जाएगा तने तेरे तो दापे बैठे समे ए भाभी जिसका वक्त खराब हो ना उस तो सब दापे जास है और मैं तो यह चाली और तू दाप कर रोटी खाइए और मेरी देखी जागी ना बेबे न्यू तू कित रहेगी अगली इसमें तुम्हारी बेइज्जती है ना भाई चिंता ना करिए मेरी भाई का इज्जत का मान रखूंगी और बापू की पगड़ी का बट्टा ना लगड़ दियो पुराने घर में एक लिए रह लूंगी और कमा के खाऊंगी चल तो बेबे मैं तेरा घर जचवा के आऊंगा हाँ रह लेगी और एकली मेरा पेंडा छुटिया पूरा ये राजीव बेबे इब्बी कहूँ सू चाल उल्टी करा कितने धरती को नहीं पाड़ावा मैं देख लूंगा उसने ना भाई जिद मत ना कर रहे मेरा घर तो खोए रास है और मेरे कारण तुम अपना घर क्यों खो बेबे ईसा घर किस काम का जड़े मेरी माँ जाई बाण के दो पायन ठोड़ ना हो तू ना घबराओ भाई मेरा वक्त मैं आप काट लूंगी कि सदा ईसा रहेगा कद तो भगवान मेरा दिन भी फेरेगा ठीक से बेबे तू टेंशन ना ले तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा ना भाई मैं अपना खर्चा आप उठाऊंगी और बाबू के घर में रहूंगी और कमा के खाऊंगी ठीक से बेबे ना माने तो चल करूं थी पर आज एक बहुत बड़ा काम करया से आज तो तने सच में बहुत बड़ा काम कर दिया बेबे
आए तेरा तगड़ा काम मन्ने तो वाईब कर तकड़ी से तने सतावला बेरा भी पाट गया। मैं तो अपनी आंखें तो देख के आई सू, वह सुमन गाल में रोती जान लाग रही थी। ए इब रो चाहे मरो मन्ने अपना पेंडा लिया छुटवा बेबे। बेबे तने कहूंगी ना तो बुरा मान जागी, पर तने सुमन गैल बहुत बुरा करया से। तने बात आवा सही, तेरी नन थार घर आबे ठहरने जित बेरा पट्टा है तने। ए भगवान ऐसा क्यों करे, कोई ब्याही था छोरी पियर में रह, पर सुमन की तो मजबूरी से। कितने मजबूरी ना से, दाई दिंगड़िया के बैठगी मारे। हे जिस पे बीतते से ना वो है जाने से बेबे, सारे काम ने बेरा से उसका बटे क्यों कर हट तोड़ा करता उसके। ए तोड़दा होगा मन्ना ठेका कौन ले रखा, और मैं अपने सिर पे ऐसा बोझ ना रखू। हे बेबे बाण बेटी बोझ ना होया करे से, मुसीबत में पियर तो बाण बेटी का आसरा होया करे। तू ही मने नू बता दे, तू मेरे मजे ले से मने ज्ञान दे से। हे बिगड़ी में मजे तो बेउदात मिली आ करे से, और मैं बेउदी ना सू, मैं तो तने समझाऊ सू ई बिलिया छोरी नगर ने। नू कर बेबे चाल दी बनूरते, मने तेरे ज्ञान की जरूरत कोनी। हाँ बेबे तेरे तो घमंड हो रहा से, और जित घमंड और मरोड़ हो जैसे ना उत ज्ञान का के कम है, पर बाद में पछतावेगी। मन्ने पछताना से, मैं पछता लूंगी समझ गी, और मेरी मरोड़ ते तलिकड़े भी कोनी। मन्ने तेरी मरोड़ काटनी भी कोन्या, बाकी वक्त ने बड़े बड़े की मरोड़ काट दी, ते तो भी उत्ते केस है। वक्त ना तो मैं आप देख लूंगी, तू अपना रास्ता नाप। ए घमंड तो बड़े बड़े का लिखड़ गया, घमंड तो रावण का भी था, कल जुग से सारी आग आ जाएगी। हेरे इंसान पे इंसान पे सुमन बेबे आजा आराम कर ले। भाई कित आराम से, परमात्मा ने किस्मत में लिखा ही नहीं आराम। ए भगवान तेरी परीक्षा ले से, चिंता ना करे, आराम भी होगा और सुख के दिन भी आवेंगे। भाई अब तो ये तो सुख देखा ना से, बालकपन में तो माँ बाप मर गए और फिर घरवास सही सा मिलगा। हाँ बेबे या तो सही, ये भाभी ने जुलम कर दिया। कोई बात ना भाई, मैं थोड़ा सा काम कर ली सू ना, तो फिर थमने भी बूंदी लागन लाग जाऊंगी। गणी बात तो बनावा ना, मने सारा बेरा से तू उस चिंडाल ने भी खर्चा पानी दे से। तू गणी तो बोल ना, शर्म वाला शर्म तो डर जाए, गुंडा नहीं जाना तेतर डर गया, तेरा गलवा अपने रीछे। देखिया साची कही तो लग गया ना पतंगे से। ओ बेईमान लुगाई, लेन ने तो अपना आधा के भी लेस कह है, पर वह खुददार छोरी है, अपना करके खास है। हाँ दूंगी उसने आधा के, आ जाएगी लेन। तू तो बाज के दे आधा के, आज भी सुमन का आधी जमीन नाम है मेरे बाप की, पर तेरे जो बेशरम कोनी, मेरे बेबे ऐसा काम करे कोनी वाह। अपने घर न छोड़ के उरे पीर में पड़ी घनी शरम आड़ी से ना वा। तो हम तो दोनों बाण भाई कर्मा के माड़े सा, उसने तो कलियारे मिल गए और मेरे कलियारी आ गई। कलियारी सो तो क्यों राख राखी सू, मार दे मेरे भी धक्के। अरे काम तो तू धक्के मारने वाले कर रही है, पर मैं तेरा जैसा होना नहीं चाहूं। या ये तो गलती कर रहा से, तू मेरे जैसा कोनी, नहीं तो घर घर तो नहीं, उसने गांव तक काट दे धक्के मार के, अब जाते ठिकाना पे। अरे यो तो रोना से ठिकाना कोनी बिचारी का, न्यू माले ना तो उसके सासरा ना पियर, जिब्बा तो मजदूरी करके कमाई खा रही से। कौन माथा मारा तेरी गेला, काम करूं सुना तो अपना फायदा में रहेगी, काम कर लेगी तो कोई दिन जा से ना, मैं तेरा काम करने वाला हूं। ये सुमन है किस जा से, ठीक से? ठीक सु भाभी, और किस जाऊं थी, मजदूरी पे जाऊं सु। ठीक से ना दे, मेहनत करके खान में पाप भी के से। कमा के खान में तो कोई पाप कौन भाभी, पर यो जमाना घना पापी है। ए जमाने की तो बुझ जाए मतने, देखे ना तेरी गल के होने लाग रही से। के बताऊं भाभी, मैं तो बिना बात के कष्ट भोग रही हूँ। एक कोई ने गरीब ने शरीफ ने कोई सतावे से ने, तो उनका लेखा जोखा राम ले से। एक का लेखा ले ले भाभी राम ने। रे के बोल रहे काले मुंह वाले, के बात होगी भाई, किसके की हो गया? बेबे पप्पू की बहन तो धक्के मार थे ना। छोड़ देना भाई उस बात ने, वह तो धक्के मार कर राजी होली, मैं तो कमा के खा लूंगी,
पर तू बात बताना, बात क्यों होगी? बेबे तू उसने धक्का मार घर तक काटी थी ना, राम नवा धक्का मार कर छात पर गिर दी। ठीक होया, करने का फल मिला है उसने देवर। ठीक ना होया, मेरी भाभी से वहाँ रुनू बताई कित से मेरी भाभी सह तो घर नहीं पर दे ही सीठूगी अकाले मिला जा। ठीक से भाभी जा, सुन मेरी भाभी का हाल चाल बुझू। देख ले देवर, अच्छा मानस अच्छा है वैसे, सुमन ने फिर भी उसकी मेहर है आई से। भाभी सबकी अपनी अपनी सोचो से, जय किसी से सोचो से ना उसकी हरकत उसी पावा है। ठीक कैसे देवर, चल कर ले अपने अपने काम। यो सब उस कड़ो मोई के कारण होया से। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अरे इसमें मेरी बेबी का क्या कसूर से? उससे न सास मारया से। अरे मर गई, ईब तो चस गए होंगे उसका घी के। सास को नहीं मारया, कहूंगा तो फिर चिढ़ेगी तू। जिसे बोए थे ना उसे काटन लाए रिस तू। भाभी, ए भाभी, क्यों होगा भाभी तेरे? हो गया मेरा तो वो है जो तू चाहवा थी, ईब तो राजी से। अरे डट जा, मेरी बेबी तो तेरा हालचाल पूछन आई से और तू भीतर ते ईब भी जलन लाग रही से। ठीक जो सू, ईब मेरा काम कौन करेगा? इसने तो मार दिया सास गड़जी भी ने। भाभी चिंता ना करे, काम तो मैं कर लूंगी और तू हो जाएगी ठीक। भाई तू नू ना करे, हो जाओगी भाभी ठीक और घर का काम तो मैं कर लूंगी, तू टेंशन ना ले। एक काम कर तो, मेरे खातर दूध मल दी घेर लिया थोड़ी सी। ठीक से ले आऊं भाभी। ठीक से तो ले, मैं भी खेत में जासूं और बे बेगल ठीक व्यवहार रखी है। हाँ पा दबूंगी उसके तो। देख ले फिर हो ये बात, तू ना सुधरे। मर गई रे। ले भाभी दूध पी ले। यार राम राम तठा दर्द हो सा मेरा। बस बस देखा राम ते। अच्छा भाभी मैं घर का और काम करूँ सू, तुम किम काम हो तो बोल लिए मैंने। तू नू कर रोटी पोले, छोरा स्कूल मत आने वाला से, तड़के भी भूखा गया था। अच्छा भाभी रोटी पोली उसमें पहले, और काम पाछे करूँगी। या फिर तो ना रम जाएगी इस घर में। ये भगवान मन थोड़ा सा ठीक कर दे, ठीक ना हूँ इतना करी जाएगी काम और ठीक हो दिए फिर पत्ता काट दूंगी इसका। क्या हाल है भाई पप्पू? अरे भाई हाल का तो तने बेराय से, यो राम है ना यो भी जमींदार के पाछे पड़ रहा है कती। ठीक कह भाई, कई जगह तो कती बुरा हाल कर दिया राम जी ने। अरे यो ही तो रोना है भाई, कदे तो राम के ओले मार जाए हैं जमींदार ने, कदे सरकार के ओले कानून मार जाए हैं भाई। भाई कुल मिला के जमींदार का दिन ओला ही रहना है, मैं तो भूल गया था भाई भाभी का के ढंग साहिब। ईब तो ठीक से भाई कि मैं चलन फिरन भी लगी से। ठीक से भाई, चिंता ना करे हो जाएगी ठीक। राम अच्छा राम भाई, राम राम। हाय सुमन क्या कर रही से? बस भाभी यो ही घर का काम, जब भाभी भीतर से मिल ले भाभी। ठीक से। नीलम है? हाँ बेबे। ठीक से? हाँ ठीक, तो इब तो फर्क से। ठीक से बेबे हो जाएगी ठीक, कर ले आराम, काम तो सुमन करे ले से। हाँ कर ले से। ठीक से बेबे आराम कर ले, हो जाएगी ठीक है, सुमन तो और मिल लूँ सू। उठन की हिम्मत तो कोनी, पर सुनूंगी पक्का मेरी के चुगली करेंगी।
सुमने मैं तो यह बात कहूंगी, करते गल करिए पाप उन तक डरिए ना भाभी, उन तो नहीं आदमी तो पाप तो डरना चाहिए और अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। हाँ तेरा उसने धक्के मारे थे और उस दिन न भूल के तू सारे काम करने लग गई, फिर उसने बेरा के पटेगा। भाभी बात यह ना सह कि मेरी गल के होया, फिलहाल मेरे भाई भाभी तकलीफ में सह और मेरे तो बनेगा जितना मैं करूँगी। ठीक होते हैं फिर धक्के मार देगी तेरे। कोई बात ना भाभी, धक्के मार देगी तो मैं फिर चली जाऊंगी, परीब तो मैं अपना फर्ज पूरा करूँगी। सुमन हाँ भाभी, किम काम था? ना सुमन ईब धक्के कौन मारूँ तेरा, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। ना भाभी मैं तो छोटी सी तेरे से, तू क्यों माफी मांगे? गलती मेरी से तो माफी भी मैं ही मांगूंगी, मन्ने तेरा दर्द नहीं समझा पर तू बड़े दिल की से तने मेरा दर्द समझा। शुक्र है भगवान का तेरे ईब तो समझ में आ गई। मैं तेरे से भी माफी मांगू सो, मन तेरी भी नहीं मानी, तेरे तो ऊपर को के मन सुमन के धक्के मारे। देवे इस गलती ने तो सुधार लिए, अगर ऐसा नहीं करूं और मैं थमने भी नहीं कहूं हूं बीड़पणी में अपने का साथ दियो, थम दुखिया का साथ दोगे तो भगवान थारा साथ देगा। अर्जय भाई गलत करोगे ना तो राम जी का ऐसा फैसला होगा तुमने पछतावे का मौका भी नहीं मिलेगा। डीएचएम संस्कार देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी पूरी टीम की ओर से राम राम, राम। दर्शकों ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमने शिक्षा देने की कोशिश करी है भाई, चाहे दुख ही चाहे अपना हो चाहे पराया हो, हमने सबकी मदद करनी चाहिए और भगवान कहीं ना कहीं उसका फल हमें जरूर दे है। अगर अपना स्टोरी अच्छी लगे ना तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। हाँ जी, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें इसको। डीएचएम संस्कार आपके लिए हमेशा पारिवारिक स्टोरी लेके आते हैं, आप अपने परिवार के साथ निसंकोच बैठ के देखा करें। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़े से, थारता जोड़ के रिक्वेस्ट से लाइक शेयर कमेंट ठोक दो भाई। तो अभी सारे भाई ने राम राम, 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 राम।